जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिंप निर्जय। प्रश्नावली 605, निम्नलिखित वक्रों के अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे पहले हम लोग स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करते थे, अभी अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है, जो अभिलंब का समीकरण होता है उसके लिए जो फार्मूला होता है y माइनस वाई वन बराबर माइनस एक बटा एम एक्स माइनस एक्स वन। एम मतलब उसका क्या है, प्रवणता है। और स्पर्श रेखा में क्या होता था, यहाँ पर m रहता था ऊपर में और माइनस नहीं रहता था, क्लियर ना, बाकी सब सेम है ये, तो इसमें बस माइनस एक बटे m लगाना है। तो इसका पहला सवाल देखिए, देखिए सब एक जैसे बनेगा। आज पहला इसका वाई स्क्वायर बराबर एक्स घात तीन के बिंदु चार आठ पर। इसको हल करेंगे तब यहाँ हो जाएगा, यहाँ करके लिखेंगे क्या दिया है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स घात तीन, क्या दोनों पक्षों का अवकलन करने, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तभी हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई की घात दो, अभी हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स की घात तीन। याद रखेंगे वाई की घात दो है तो इसका क्या होगा, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको बता चुका हूँ। एक्स की घात तीन का क्या होगा, अवकलन तीन सामने में आ जाएगा, फिर एक्स तीन में से कम किए दो, हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो ये टू वाई कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, गुणा है तो भाग में। अब क्या दिया है, बिंदु चार आठ दिया है, तो बिंदु चार आठ पर क्या करना है, इसका प्रवणता निकालना है पहले। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे बिंदु चार आठ पर अभिलंब की प्रवणता, तब इसका हो जाएगा आपका इसका जो फार्मूला हो जाएगा माइनस एक बटा क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर जो बिंदु लिखा है उसको लिख देंगे क्या दिया है, चार आठ। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये एम बराबर आप लिख लेंगे, इसका हो जाएगा, देखिए यहां से ये अभिलंब की प्रवणता है, यहां पर आप इसको स्पर्श रेखा की प्रवणता भी निकाल सकते हैं, अभिलंब को निकालेंगे तो ये बन जाएगा स्पर्श रेखा में जल्दी बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसके बदले आप लिख देंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये क्या होगा, ये माइनस करके नहीं होगा, ये केवल क्या होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा, और यहाँ पर चार आठ, इससे भी बन जाता लेकिन इसमें आपको ज़्यादा आसानी से बनेगा। तो यहाँ से आप एम बराबर करके इसको बनाएंगे, तो देखिए जो थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू वाई को ही लिखना है। अब क्या करना है, ये एक्स का मान चार और वाई का मान आठ इसमें रख देना है, तो एम बराबर जाएगा तीन, एक्स का मान चार रखना है तो चार की घात दो, ये दो हो गया, वाई का मान क्या रखना है, आठ रखना है, तभी हो जाएगा आपका। देखिए तीन चार के स्क्वायर मतलब चार को दो बार लिखेंगे, चार गुणा चार और ये दो गुणा आठ वैसा ही रहेगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया आपका, आठ दूनी सोलह और चार चौक सोलह, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, तो ये हो गया तीन चार चौक सोलह हो गया, आठ दूनी सोलह, सोलह सोलह कट गया, कितना बच गया तीन, एम बराबर तीन, क्लियर हुआ, एम का मान निकल गया। देखिए आप इससे माइनस वन बाई एम करके बनाते तो भी बन जाता। अब यहां से देखिए हमको समीकरण निकालना है, लिखेंगे इसलिए बिंदु चार आठ पर वक्र के अभिलंब का समीकरण,
अभिलंब का समीकरण। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका y माइनस y1 बराबर माइनस वन बाई एम कोष्टक x माइनस एक्स वन। तब यहां से होगा, देखिए ये अब यहां पर देखिए चार वाट क्या मानेंगे, एक को x1 मानेंगे और एक को y1 मानेंगे, क्लियर है। तो हो गया y माइनस ये y1 का मान कितना हो गया 8 माइनस वन बाई एम का मान अभी निकाले हैं 3, क्लियर हुआ। एम का मान कितना निकाले, 3 निकाले, x वैसा ही रहेगा, x1 का मान क्या हो गया 4। तब यहाँ से तीन का इधर तिरक गुणा होगा, तो तीन का गुणा वाई में होगा और तीन का गुणा आठ में, तो तीन का गुणा वाई में करेंगे तो तीन वाई और तीन का गुणा आठ में करेंगे तीन अट्ठे चौबीस। देखिए माइनस वन का गुणा एक्स में करेंगे तो एक से कम एक्स, माइनस है इसलिए माइनस, फिर माइनस वन का गुणा चार में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और चार कम चार। एक्स को इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस को उल्टा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया थ्री वाई, ये माइनस को उल्टा प्लस हो जाएगा, ये चार ये माइनस चौबीस इधर लाएंगे तो प्लस चौबीस हो जाएगा। इसको जमा के लिख देंगे एक्स को पहले तीन वाई को बाद में और चौबीस और चार कितना हो जाएगा अट्ठाईस। ये क्या है इसका उत्तर है, क्लियर हुआ। क्या उसमें अगर बनाते हैं विलंब करके तो माइनस वन बाई एम का मान डायरेक्ट निकल जाता, माइनस वन बाई एम का इसके बदले हमको जो मान आता उसको रखना पड़ता, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता, इसीलिए पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है, उससे क्या है एम का मान निकलता है और m के मान को इसमें रख देना है। इसका प्रश्न दूसरा सवाल है, देखिए इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 9x का 2 माइनस 4y का 2 बराबर 108 के बिंदु 4 तीन पर सवाल करेंगे, यहां करके लिखेंगे यदि है 9x का 2 माइनस 4y का 2 बराबर 108। अभी हो जाएगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तभी हो जाएगा आपको देखिए ये 9 हो गया अचला से अलग डी बाई डी एक्स एक्स का 2 माइनस 4 हो गया d बाई डी एक्स वाई की घात 2 बराबर लिखेंगे d बाई डी एक्स 108। तो 9 का 9 रहेगा, x की घात 2 का अवकलन क्या हो जाएगा 2 सामने में आएगा फिर x, ये 4 हो गया, y की घात 2 का अवकलन होगा 2y d बाई डी एक्स 108 अचर राशि, इसलिए इसका अवकलन 0। ये 9 दूनी कितना हो गया 18x और ये 4 दूनी हो गया 8y d बाई डी एक्स बराबर 0। हमें dy by dx का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा इसको पक्षांतर कर देंगे 18 को इधर प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये माइनस 8y dy by dx वैसा ही रहेगा बराबर ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस 18x हो जाएगा। dy by dx का मान निकालेंगे तो ये 18x वैसा ही रहेगा, 8y गुणा है तो कहां आएगा भाग में और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे x और y दिया है, इसका बिंदु दिया है 4 3, शुरू में प्रश्न लिखे क्या करेंगे बिंदु लिखेंगे बिंदु 4 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, लिखना है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये हो जाएगा आपका dy by dx है, यहाँ पर जो बिंदु है उसको लिखते हैं, बिंदु क्या दिया है इसका 4 3। यहाँ से m बराबर लिखेंगे dy by dx का मान कितना दिया 18x बटा 8y, चाहे तो इसको घटा सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x y का मान रखेंगे तो 18 हो गया, x का मान 4 y का मान 3, तो x के बदले लिखेंगे 4 और y के बदले क्या लिखेंगे 3। अब इसको घटा देंगे तो देखिए हो जाएगा आपका 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये हो गया 18 बटे 2 बुढ़ा 3, तो 2 3 कितना हो गया 6, 6 3 कितना हो गया 18। इस प्रकार m का मान कितना आ गया 3, तो यह आ गया आपका m बराबर 3, क्लियर है इतना। अब इसे क्या करेंगे अभिलंब का समीकरण, तो लिखेंगे इसलिए ये हो जाएगा इसलिए बिंदु 4 3 पर वक्र के अभिलंब का समीकरण,
अभिलंब का समीकरण। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा इसका y माइनस y1 बराबर माइनस एक बटा m, अभिलंब है इसलिए याद रखिए x माइनस x1। अब यहाँ पर चार को x1 मानना है, तीन को y1 मानना है, तो ये हो जाएगा y, y1 का मान तीन माइनस एक, m का मान ये निकाले तीन, फिर ये हो गया x माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा चार, फिर से उसी तीन गुणा होगा, तीन को गुणा y में करेंगे तो तीन y और तीन दिया नौ, माइनस एक का गुणा x में करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस चार एक चार, तो एक्स वाई को एक साइड करेंगे तो तीन वाई हो गया, माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ये चार हो गया माइनस उल्टा प्लस नौ हो जाएगा, तो इस प्रकार कितना हो जाएगा ये देखिए थ्री वाई प्लस एक्स, या जमा के लिख सकते हैं एक्स को पहले वाई को बाद में, तो एक्स प्लस थ्री वाई नौ चार कितना हो जाएगा तेरह, तो ये क्या है इसका उत्तर है। देखिए दूसरा को दूसरा सवाल है, इसमें भी क्या करना है अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो जितना भी अभिलंब का समीकरण बोला है सब में प्रोसेस एक जैसे ही है, जैसे दिया है y बराबर a log sin x के बिंदु x1 y1 पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ करके प्रश्न को लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका y बराबर a log sin x, अब सेम वैसी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा d by dx के y हो गया, a अचानक से इसलिए अलग करेंगे d by dx log sin x। अब ध्यान से देखेंगे यहां पर log sin x का डायरेक्ट अवकलन नहीं होता है, तो sin x को क्या मानना पड़ेगा t मानना पड़ेगा, तो d by dt हो जाएगा log t, फिर d by dx sin x यहाँ लिख देंगे क्योंकि sin x बराबर क्या मान लिए t, तब यहाँ से हो जाएगा a हो गया log t का अवकलन होता है 1 by t, sin x के सापेक्ष अवकलन होता है cos x, t का मान वापस रख देंगे sin x, ये हो जाएगा आपका a, यहाँ से ये 1 हो गया cos x का cos x रहेगा और t का मान क्या हो गया sin x, वैसे भी गुणा में है तो ये हो जाएगा आपका a cos x बटा sin x। अब यहां से हो जाएगा ये आपका देखिए यहां पर आप लिखेंगे कौन से, ये dy by dx का मान है, अब इसका बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया इसको देखिए, बिंदु दिया है x1 y1, तो इसको पहले m का मान निकालेंगे, हो जाएगा इसलिए बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये हो जाएगा आपका इसे क्या होता है dy by dx, यहां लिखेंगे x1 और y1, तभी m का मान निकालेंगे, तो a का a रहेगा, ये cos x के बदले क्या लिखेंगे x1 और ये sin x के बदले क्या लिखेंगे ये हो जाएगा y1, यहां पर ध्यान देंगे क्योंकि दोनों में x है इसलिए x के बदले आपको क्या लिखना है x1 लिखना है, y1 इसमें नहीं आएगा क्योंकि x है ना दोनों में, तो x के बदले आपको x1 लिखना है, क्लियर हुआ, अगर y रहता तो y1 लिखते, ये m का मान हो गया। अब इसका क्या करना है, अभिलंब का समीकरण निकालना है, लिखेंगे तब बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण, इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे ये हो गया आपका y माइनस y1 बराबर माइनस एक बटा m कोष्टक x माइनस x1,
ध्यान देंगे x1 y1 है तो आपको x1 के बदले x1 ही लिखना है, y1 के बदले y1 ही लिखना है, क्योंकि इसमें पहले से दिया है ये तो वैसा ही रहेगा y माइनस y1 योग बराबर माइनस एक हो गया। m के बदले आप इसको लिखना है, ये वाला लिखना है, ये सॉरी ये वाला है, m के बदले a cos, ये हो जाएगा आपका a cos x1 बटा, ये हो जाएगा आपका sin x1, ये x माइनस x1 वैसा ही रहेगा। ये हो जाएगा देखिए ये y माइनस y1 ही रहेगा बराबर, ये जैसे ये देखिए बड़ा भाग है तो बड़ा भाग को गुणन बदलते हैं, ये वाला बड़ा भाग है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा sin x1 ऊपर चला जाएगा और a cos x1 वो नीचे का नीचे ही रहेगा, क्लियर है। ये बड़ा भाग है, बड़ा भाग को गुणन बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, x माइनस x1 वैसा ही रहेगा। तब तीन गुणा करेंगे ये वाला इधर आएगा, मतलब ये हो जाएगा y माइनस y1 कोष्टक में हो जाएगा a cos x1, ये वैसा का वैसा ही रहेगा sin x1 कोष्टक x माइनस x1। अब यहाँ से क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ से गुणा करेंगे a cos x1 को गुणा y में करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए वाई कॉस एक्स वन। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई वन कॉस एक्स वन, वैसे ही इसका गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x साइन एक्स वन माइनस, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स वन साइन एक्स वन, क्लियर हुआ। अब इसको जमा के लिख देंगे तो यहां से आपका हो जाएगा जैसे ये हो गया आपका एक्स वन और ये वाई वन है, इसको लिखेंगे यहां से हो जाएगा आपका देखिए ए वाई कॉस एक्स वन है, इसको इधर लाएंगे इसमें ध्यान देंगे यहां पर देखिए माइनस है, ये वाला माइनस है इसलिए यहां पर आपका माइनस रहेगा और ये क्या रहेगा आपका यहां पर माइनस रहेगा, देखिए ये माइनस रहेगा तो इसलिए देखिए ये माइनस और यहाँ प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी ये प्लस हो जाएगी, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि माइनस में पहले से था। तो ये समझ में आ गया होगा, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, अब ये क्या करेंगे ये वैसा ही रहेगा, ये वाला जो है ये माइनस है इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा एक्स साइन एक्स वन, ये वैसा का वैसा ही रहेगा x1 sin x1, ये जो माइनस है इधर लाएंगे तो माइनस उल्टा प्लस हो जाएगा a y1 cos x1। तो इस प्रकार ये क्या है उत्तर है, इसको चाहे जमा के लिख सकते हैं, x को पहले x sin x1 प्लस a y cos x1, बाकी तो ये वैसे रहेगा x1 sin x1 प्लस a y1 cos x1, ये क्या है इसका उत्तर है। तो इस प्रकार ध्यानपूर्वक बनाए चिन्ह को विशेष रूप से ध्यान देना है, गणित में चिन्हों का बहुत महत्व है। तो कोई भी सवाल आप इसी प्रकार इसको बना सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है वक्र का स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसमें एम रहता है, इसमें माइनस वन बाई एम रहता है। जटा कटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्प निर्जय।